हेलो क्लास, आज हमारी प्रॉब्लम दी गई वो एपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया है कि हमें एक एपी की सीरीज दी हुई है, 5, 2, -1, -4, -7, ये सीरीज मिली हुई है, ठीक ना। इसमें हमें एन टर्म फाइंड करना है कि एन टर्म होगा क्या, 2n+5 होगा या 2n-5 होगा या 8-3n होगा या फिर 3n-8 होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। आप इस सीरीज में, अगर आप इस सीरीज में देखते हैं कि ये सीरीज क्या है, डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे इसका जो डिफरेंस आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ए कितना दिया है इस सीरीज में, ये हमको दिया है 5, ठीक। अब डिफरेंस निकालने का पता हमें कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 2 -5, 2 -5 करने कितना मिलेगा -3। तो देखिए डिफरेंस हमारा क्या आ गया, निगेटिव आ गया, ठीक। और हमें एन टर्म कितना दिया, एन ही दिया है। तो अगर एन टर्म फाइंड करें तो हमें पता है कि एन टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, an=a+n-1d। इस एन की जगह बस एन ही रखना है, मतलब एन ही रहेगा, ठीक। तो बस हमें ए और डी की वैल्यू रखनी है, इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए की वैल्यू हमारी कितनी दी है 5, तो यहाँ 5 रखेंगे, प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है -3 निकली थी, ये रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5+-3, एन से 3n आ जाएगा, फिर -+, 3 + 3 आ जाएगा, ये हमारा फॉर्म मिल जाएगा। अब देखिए 5 और 3 प्लस के, तो क्या आ जाएगा 8, तो 8-3n, तो यहाँ से an की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8-3n, और यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।